स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष में जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है हाय एवरीवन वेलकम टू विज्ञान वृक्ष तो हम लोगों ने गैसेस स्टेट का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने लास्ट क्लास में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे ठीक है ना आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं डेरिवेशन करने वाले हैं किस चीज का डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन मतलब एक हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे एक जनरेट करेंगे जो कि प्रेशर के टर्म में होगी जिसे हमने काइनेटिक गैस इक्वेशन बोल रखा है उसी का डेरिवेशन करने वाले हैं ठीक है <coughs> तो उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये हम जो डेरीवेशन करने वाले हैं वो कैसे प्रोसीड करेंगे क्योंकि उसका प्रोसीजर थोड़ा सा बड़ा है देखो जो ये काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस है काइनेटिक गैस इक्वेशन है ठीक है काइनेटिक गैस इक्वेशन ठीक है इसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे प्रेशर कौन सा प्रेशर देखो हमने लास्ट क्लास में जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था तो हमने उसमें क्या देखा था कि हमारे पास एक बीकर है ठीक है उस बीकर में हमने गैस को ही एक गैस ले लिया है तो हमने कहा था कि वो जो गैस है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है जिसे हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और ये मॉलिक्यूल्स या ये जो गैस है ये जो भी कंटेनर है उनकी वॉल्स पे एक प्रेशर एग्जर्ट करती है तो हम उसी प्रेशर को निकालना चाह रहे हैं और जो भी उससे इक्वेशन बनेगी वो जो प्रेशर की इक्वेशन बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे काइनेटिक गैस इक्वेशन बोलेंगे अब वो प्रेशर तक हम पहुंचेंगे कैसे वो चीज देखते हैं देखो प्रेशर जो होता है प्रेशर जो होता है वो क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया एफ ए ठीक है और एफ क्या होता है ए तो चलो हमें पता है जो भी हमने वेसल ले रखा है उसका एरिया होगा पर फोर्स कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे to, uh, sorry, और ये डीपी क्या है डीपी है चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम बच्चों लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं विज्ञान वृक्ष के बीएससी सेमेस्टर एंड ईयरली कोर्सेज को जो डिज़ाइन किया गया है आपके यूनिवर्सिटी सिलेबस को ध्यान रखते हुए और दोस्तों साथ ही ये कोर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और इसमें आपको मिलता है कंप्लीट कोर्स इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स लेक्चर नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड मेंटरशिप ये सब आपको मिलेगा विज्ञान वृक्ष ऐप पर जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ठीक है तो अगर अपन को चेंज इन मोमेंटम पता चल जाएगा जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का तो हम वहां से क्या निकाल लेंगे एफ निकाल लेंगे चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम से और उसी एफ को ए से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा तो सीन क्या चल रहा है कि अपने पास एक बीकर है उस बीकर में हमने कोई गैस भर रखी है ठीक है और उस गैस वो जो गैस है वो उनकी वॉल्स पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है ये उसी प्रेशर को कैलकुलेट करती है ठीक है तो उसके लिए क्या है क्योंकि हमें पता है जो गैस होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती है जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं ठीक है तो वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते रहते हैं उनके पास हमने पढ़ा था डिफरेंट वेलोसिटी से डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जिसकी वजह से उनमें कोलिजन्स होती रहती हैं ठीक है तो अगर हम क्या देख लें कि जो चेंज इन मोमेंटम आया है उनमें वही पर यूनिट टाइम जो हो जाएगा फोर्स को दे देगा और फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा वो प्रेशर को दे देगा तो ऐसे हम ये पूरा डेरिवेशन को प्रोसीड करेंगे मतलब एक इतने जैसे हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस गैस के तो अब हर एक को तो लेके चल नहीं सकते इसलिए हमने क्या किया एक किसी एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लिया उसकी वेलोसिटी कंसिडर कर ली उसमें डीपी देख लिया मतलब उसमें चेंज इन मोमेंटम देख लिया सिमिलरली फिर ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स के लिए होगा ठीक है तो एक को कंसिडर किया फिर बाकी सारी n मॉलिक्यूल्स को उसी टर्म्स में जनरलाइज कर दिया तो dp आ जाएगा हमारे पास टोटल n मॉलिक्यूल्स की वजह से उसी को dp by dt मतलब उसका जो चेंज पर यूनिट टाइम आ जाएगा वो फोर्स दे देगा और उसे कंटेनर का जो भी एरिया होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रेशर आ जाएगा ऐसे हम करेंगे इसका डेरिवेशन तो चलिए पहले तो जो थ्योरी आगे दे रखी है वो पढ़ लेते हैं जिसमें हमने एक डायग्राम बना रखा है ये ये हमारे पास कोई एक वेसल है क्यूबिकल वेसल है जिसका वॉल्यूम वी है और इसकी जो साइड्स हैं इनकी लेंथ क्या है एल है इसी में आपने कोई गैस फिल कर रखी है है, उसके मॉलिक्यूस है, तो मॉलिक्यूस के कितने है? एन तो क्या है एम क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास गैस होती है वो नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिल करके बनी हुई होती है जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं और उन मॉलिक्यूल्स का मास और साइज सेम रहता है तो हर एक हर एक मॉलिक्यूल का मास क्या है स्मॉल एम है ठीक है और लेंथ ऑफ ईच साइड वो जो क्यूब दे रखी है उसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है एल सेंटीमीटर है तो अभी हमने क्या कंसीडर किया क्योंकि हमने बताया कि जो हमारे पास गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं स्मॉल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो अब हम इन सबको तो लेके चल नहीं सकते तो हमने एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर लिया उसकी वेलोसिटी हमने किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वी वन कर ली अब वी है तो यूनिट आपको पता है सेंटीमीटर पर सेकेंड वी सेंटीमीटर पर सेकेंड ये हमने एक कोई मॉलिक्यूल की स्पीड कंसिडर कर ली उसकी वेलोसिटी देख दी। उसके बाद किसी भी में, उसके बाद उसके कौन -कौन उसके बाद कंपोनेंट कौन-कौन से हैं, क्योंकि पास ठीक है, 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 है तो तीनों डायरेक्शन में दिखा सकता है फिर हमने क्या किया कि इन तीनों डायरेक्शन को लेकर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया कि मॉलिक्यूल डायरेक्शन में मोशन दिखा रहा है मतलब ऐसे ऐसे चल रहा है ठीक है तो वो ए फेस से जो आपका ये क्यूब में दिखाया गया ए फेस से भी टकरा सकता है ए फेस से भी कोलिजन दिखाएगा और बी फेस से भी कोलिजन दिखाएगा ठीक है तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल को वी एक्स डायरेक्शन में मतलब एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करते हुए चल रहा है फिर सारे मॉलिक्यूल्स को इसी टाइप से लिख देंगे एन मॉलिक्यूल्स के लिए ठीक है तो क्या है यहाँ पे वी वन सेंटीमीटर पर सेकेंड

अब हमने क्या लिया कि ये तीनों डायरेक्शन में हम कंसीडर नहीं कर रहे हमने ले लिया कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है वो सिर्फ वी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ठीक है नाउ कंसीडर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मूव्स इन एक्स डायरेक्शन ओनली डायरेक्शन ओनली ठीक है हमने सारे में ना लेकर के कि वीवाई विजेड वी ना लेकर के हमने अभी के लिए इस डेरिवेशन को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए क्या कर दिया कि वो सिर्फ अभी हमने कंसीडर किया एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है अब हमें पहुंचना कहां तक है प्रेशर तक प्रेशर के लिए हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा तो फोर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा तो आपका पार्टिकल क्या कर रहा है सपोज कर लो कि इस वाले फेज पे है ठीक है तो वो इधर जाएगा टकराएगा वापस आएगा फिर टकराएगा फिर वापस जाएगा तो मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे एक्स डायरेक्शन में वो मोशन दिखा रहा है ठीक है है तो ए ए पे पे जो ये आपका फेज इस कोलिजन शो करने से पहले उसका मोमेंटम देखते हैं बाद में मोमेंटम देखते हैं उसका चेंज निकालते हैं ठीक है थीके? तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं हम मोमेंटम देखने जा रहे हैं किसका मोलिक्यूल का क्या देखने जा रहे हैं मोमेंटम ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉम्पोनेंट किसकी वजह से वी एक्स की वजह से मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू ड्यू टू कंपोनेंट ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स कप जब वो ए पे टकराने से पहले बिफोर बिफोर इट स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स ऑन फेज ए मतलब जब वो फेज ए पे कोलिजन शो करता है उससे पहले वी एक्स कॉम्पोनेंट की वजह से मोमेंटम क्या होगा इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा एम वी एक्स ठीक है मतलब आपके पास जो भी गैस का मॉलिक्यूल है इसका अपना कुछ मास है हमने पीछे देखा हर एक मॉलिक्यूल का कितना मास है एम है और उसकी वेलोसिटी क्योंकि हमने वी एक्स डायरेक्शन में कंसिडर किया तो वी एक्स है ठीक है तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कंपोनेंट वी एक्स बिफोर इट स्ट्राइक्स ऑन फेस कितना हो गया एम वी एक्स -E अब ये तो था स्ट्राइक करने से पहले स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा स्ट्राइक किया उसके बाद वापस जाएगा तो उस टाइम पे उसका मोमेंटम कितना होगा फिर से मोमेंटम मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वही ड्यू टू कंपोनेंट ड्यू टू कंपोनेंट कंपोनेंट वही वी एक्स ड्यू टू कंपोनेंट वी एक्स अब क्या हो जाएगा आफ्टर आफ्टर इट स्ट्राइक्स या कोलाइड्स लिख सकते हो आफ्टर इट स्ट्राइक्स ऑन फेस ठीक है अब क्या हो जाएगा देखो एम माइनस ऑफ वी एक्स ये चीज कहां से आई देखो आपका जो पीछे करते हैं जो आपका ये पार्टिकल था ये वी एक्स वेलॉसिटी से आगे गया फेज ए पे टकराया और फिर वापस हुआ तो वेलॉसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन चेंज हुई कितनी हो गई माइनस वी एक्स हो गया अब दोनों हमने दोनों सेम क्यों ली दोनों वेलोसिटी हमने सेम कंसीडर किया ना तो ये क्यों ली मतलब हमने इसे भी लिया लिया और इससे सिर्फ साइन चेंज किया क्यों क्योंकि हमने जो भी पॉस्टुलेट्स पढ़े थे पीछे के टीजी के जो भी हमने पॉस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कोलिजन्स हो रही हैं वो कैसी हैं इलास्टिक हैं मतलब कोई भी आ, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा मतलब अगर वो वी एक्स वेलोसिटी से अगर वो वीएक्स वेलोसिटी से ए पे कोलाइड करता है उसके बाद जो वापस जाता है तब भी उसकी वेलोसिटी वी एक्स ही रहती है बट क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन चेंज हुई है तो फिर इस बार हमने क्या लिख दिया माइनस ऑफ वी एक्स लिख दिया माइनस ऑफ वी एक्स हो गया ठीक है तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कॉम्पोनेट वीएक्स की वजह से आफ्टर इट स्ट्राइक्स ऑन फेस ए क्या हो जाएगा माइनस एम वी एक्स आ गया अब अपन को क्या चाहिए चेंज चाहिए तो चेंज देख लेते हैं नाउ चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम ड्यू टू component ए क्या हो जाएगा पहले कितना था आपके पास एम या तो इसे डी पी लिख लो ठीक है ना ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स है ड्यू टू कॉम्पोनेंट ओके ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स जिसे हमने क्या बोला चेंज इन मोमेंटम है ना तो डेल्टा पी ये क्या हो जाएगा आपके पास पहले कितना था स्ट्राइक करने से पहले कितना था एम वी एक्स था ठीक है स्ट्राइक करने के बाद कितना हो गया माइनस एम वी एक्स हो गया एम वी एक्स हो गया ठीक है तो ये क्या हो गया एम वी एक्स प्लस एम वी x x ठीक है ये तो डेल्टा पी आया है x की वजह से सही बात है अभी जो आपकी कोलिजन हुई है देखो अभी क्या हुआ ये मॉलिक्यूल यहां पे था पहली कोलिजन इसने यहाँ पे शो की ठीक है यहां पे पहली बार कोलाइड किया उसके बाद वापस गया फिर दोबारा आया दोबारा से ये टक्कर हुई ठीक है ये यहां पे पहली टक्कर थी उसके बाद ये गया वापस तो दो टक्कर एक पहली पहला कोलिजन यहां पे हुआ दूसरा कोलिजन यहां पे हुआ तो इन दो कोलिजन के बीच में इसने कितनी डिस्टेंस कवर की देखना यहां पे पहले था इसके बाद वापस गया तो एक एल ये हो गया उसके बाद ये हो गया यानी टू एल हो गया अलग से देखते हैं एक बारी देखो ये था ना आपके पास ऐसे क्यूब था ये आपका बी फेज है ठीक है ये बी फेज है और ये ए फेज है ये आपका बी फेज है ठीक है और ये आपका ए फेज है अभी आपका मॉलिक्यूल कहां पे है कंसीडर कर लिया कि बी फेज में यहां पे है ठीक है ये क्योंकि हमने कंसीडर किया कि ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है ये पहले इधर गया कोलिजन की फेज ए पे टकराया उसके बाद वापस आया तो इस ये कौन सी टक्कर थी पहली थी ठीक है पहला कोलिजन था और दोबारा से इससे टकराया फिर यहां पे आया तो ये हुआ आपका दूसरा कोलिजन तो इन दो कोलिजन के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की देखो एक ये एल उसके बाद दोबारा टकराने के लिए जाएगा तो दूसरी ये एल मतलब दो कोलिजन के बीच में उसने कितनी डिस्टेंस चल ली एल एल दैट मीन्स टू एल ठीक है तो क्या हो गया हमारे पास हम्मल्ड यहां पे लिखते हैं

कितनी चली है एक तो एल पहली टक्कर के टाइम पे और फिर दोबारा में एल यानी टू एल टू एल सेंटीमीटर ठीक है हमें क्या चाहिए हमें चाहिए चेंज मतलब dP बाई डी टी चाहिए ना तो अभी टाइम कितने निकाल लेते हैं तो टाइम टाइम अकर्स बिटवीन बिटवीन टू कोलिजन टाइम अकर्स अच्छा नहीं लग रहा टाइम टेकन सही है टाइम टेकन टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन टाइम टेकन बिटवीन टू कोलिजन्स ठीक है तो ये जो दो कोलिजन हुई है इनके बीच में टाइम कितना लिया गया होगा टाइम का क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी ठीक है तो वो किस वेलोसिटी से टक्कर करने के लिए आ रहा था वी एक्स वेलोसिटी से आ रहा था तो ये चीज कितनी हो जाएगी डेल्टा टी आपका कितना हो जाएगा एक्स की वजह से टू एल आपकी डिस्टेंस थी और वी एक्स आपकी क्या थी वेलोसिटी थी ठीक है तो दो चीजें हमने देखी यहाँ पे कौन कौन सी हुँ. एक तो देखी ये पी और एक देखी ये सही है इतना फिर से देखते हैं हमने क्या क्या किया पहले हमने क्या किया देखो पहले हमने क्या किया हमारे पास ये कोई एक मॉलिक्यूल था क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबको नहीं लेना किसी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर लिया तो उसके पास पॉसिबिलिटी एक्स में भी जाने की थी वाई में भी वो मोशन दिखा सकता सकता था था जेड जेड में में भी दिखा दिखा फिर से हमने छोटा किया कि हम वाई और में नहीं दिखा रहा सिर्फ एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा है तो उसमें ये इधर भी टकरा सकता है फेज ए पे भी टकरा सकता है और फेज बी पे भी टकरा सकता है तो हमने क्या करना है हमने प्रेशर निकालना है और प्रेशर के लिए हमें फोर्स चाहिए फोर्स के लिए हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो मोमेंटम कैसे चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालना है मतलब स्ट्राइक करने से पहले कितना था स्ट्राइक करने के बाद कितना था उसका चेंज निकालना है तो ये आपका इधर स्ट्राइक किया ठीक है तो उस स्ट्राइक करने से पहले मोमेंटम कितना था एम इंटू वी एक्स क्योंकि वी एक्स वेलॉसिटी से मूव कर रहा था मास उसका कितना M है एम है दोबारा में कितना हुआ माइनस ऑफ एम वी एक्स क्यों हमने वेलोसिटी सेम ली क्योंकि हमने जो के टी जी पढ़ा है उसमें यही देखा था कि जो भी आपकी कोलिजन्स होती हैं वो कैसी होती हैं इलास्टिक होती हैं दैट मीन्स कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता तो जितनी स्पीड से वो पहले टकराया था उतनी ही स्पीड से वापस गया है डायरेक्शन चेंज हो गई तो माइनस ऑफ एम वी एक्स आ गया तो वो चीज हमने निकाल ली उसके बाद हमने क्या किया चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया वो आ गया हमारे पास 20 vx ड्यू टू कंपोनेंट vx की बात हो रही है फिर हमने कहा जो दो टक्कर हो रही है मतलब फेज ए पे एक बार ही टकराया उसके बाद फिर से वापस गया और दोबारा टकराने के लिए आया तो उसने 2l डिस्टेंस कवर की तो डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिशन कितनी हो गई हो गई अभी हमने क्या करना है टाइम कितना लिया टाइम इक्वल्स टू क्या होता है है डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी तो और वेलोसिटी कितने से आ रहा था बी एक्स से ठीक है तो हमें क्या चाहिए चेंज चाहिए चेंज निकाल लेते हैं नाउ चेंज इन दूसरा कलर लेते हैं नाउ ना चेंज इमेंटम नाओ चेंज इन मोमेंटम अभी हम सिर्फ मोमेंटम निकाल रहे थे मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स ड्यू टू कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट वी एक्स ठीक है उसकी वजह से कितना हो जाएगा देखो डीपी बाई डी टी होगा ना या डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख लो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, टी. कितना हो गया पी एक्स है ये एक्स की वजह से है ना यूनिट टाइम ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स की वजह से कितना डीपी आया था आपका टू एम वी एक्स अपॉन में टू एल अपॉन में वी एक्स टू m v x Fair. ठीक है ओके ये आया एक्स की वजह से ठीक है अभी हमने क्या करना है ये देखो ये एक्स की वजह से फेज ए पे आया है ऐसे ही ये फेज बी पे भी मोमेंटम में चेंज देखेंगे जैसे हमने क्या किया था इसमें कि ए पे टकराने से पहले मोमेंटम कितना था बाद में कितना आया उनका चेंज निकाला सिमिलरली आप b पे देखोगे कि b पे टकराने से पहले कितना था बाद में कितना है उसका चेंज आएगा तो b की वजह से कितना होगा देखो एक्स यहां पर लिख लो ऑन फेज ए फेज ए ठीक है हम ये ए फेज की बात कर रहे थे अभी बी की बात करते हैं नाउ चेंज इन चेंज इन मोमेंटम नाउ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम अभी कॉम्पोनेंट वही है ड्यू टू कॉम्पोनेंट बी एक्स ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स बट अब कहां पे है ऑन फेस बी ऑन फेस बी कितना हो जाएगा डीपी बाई डी टी बाई डी टी यही होगा सेम यही होगा क्योंकि बी एक्स स्पीड से ही जा रहा था एम वी एक्स स्क्वायर अपॉर में कितना हो जाएगा एल हो जाएगा तो टोटल चेंज कितना हो जाएगा टोटल टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम पर वहीं ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स सॉरी ड्यू टू ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्सपोने एंड बी इसकी वजह से कितना आ जाएगा जो आपका ये आया है जो आपका ये आया है उन्हीं का क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एक्स की वजह से ही है अभी ये कितना हो जाएगा एम वी एक्स स्क्वायर एम वी एक्स स्क्वायर मतलब चलो लिख लेते हैं एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल ये आया था ए की वजह से और प्लस एम वी एक्स स्क्वायर बाई एल ये आया था बी की वजह से तो ये कितना हो गया इक्वल्स टू टू एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एल इतनी चीज क्लियर है सही है ओके okay. आगे बढ़ते हैं अब हमने अभी अभी, अभी तक हमने क्या किया सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट की वजह से दोनों फेज पे निकाला है सिमिलरली vy और vz की भी वजह से आएगा ठीक है दो सिमिलरली सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम टर्म पर यूनिट पर यूनिट टाइम ड्यू टू कॉम्पोनेंट ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी एक्स की वजह से हो गया ड्यू टू कॉम्पोनेंट वी वाई एंड वी जेड कितना होगा कितना होगा एक तो हो जाएगा जो जहां पे आप x लिख रहे थे वहां पे y कर दोगे टू एम वी वाई स्क्वाई स्क्वायर अपॉन में एंड ये, ये हो गया z की वजह से ठीक है तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू कॉम्पोनेट वी वाई एंड वी जेड कितना हो जाएगा टू एम वी वाई स्क्वायर एल और वी जेड स्क्वायर एल तो <coughs> उस एक मॉलिक्यूल का जो आपने कंसीडर किया है इन तीनों डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इन सबका सम हो जाएगा तो आप उसे कैसे लिखोगे हम्म टोटल टोटल चेंज टोटल चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम ड्यू टू वन मॉलिक्यूल One molecule due to one molecule at all six phases. ठीक है टोटल चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन मॉलिक्यूल एट ऑल सिक्स फेजेस मतलब जैसे आपने एक मॉलिक्यूल को ए और बी पे टक्कर करवाई थी ऐसे ही जो आपके बाकी के मॉलिक्यूल्स होंगे टोटल सिक्स फेजेस है ना मतलब वाई में भी दो फेज आएंगे और जेड में भी दो फेज आएंगे तो उनपे भी कोलिजन होगा तो उनकी वजह से टोटल चेंज कितना आ जाएगा इक्वल्स टू टू एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन में एल प्लस टू एम वी वाई स्क्वायर अपॉन में एल प्लस टू एम वी जेड स्क्वायर अपॉन में एल ये क्या चल रहा था आपके पास डेल्टा डेल्टा टी ये उस एक मॉलिक्यूल का वी एक्स वी वाई वी जेड सारे कॉम्पोनेंट के साथ है इतना अभी आपने क्या किया इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो बाहर निकाल लिया टू एम अपॉन में एल ब्रैकेट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस ठीक है और आपने इक्वेशन वन जो बनाई थी जरा देखना उसमें आपने यही चीज को वी स्क्वायर लिखा था वी एक्सर वी वाई स्क्वायर वी जेड स्क्वायर मतलब वेलोसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल जो आपने कंसीडर किया है वो तो ये कितना हो गया वी वन स्क्वायर हो गया ठीक है तो ये हो गया आपके पास टू एम वी वन स्क्वायर अपॉन में एल ये चीज क्या है आपके पास डेल्टा पी बाई डेल्टा ठीक है इसको आपने इक्वेशन टू ले लो और यहां पे ब्रैकेट लिख दो इक्वेशन इक्वेशन वन से क्या आपने लिखा है वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर ठीक है इतनी चीज इसे ही कर लिया ब्रैकेट में ओके okay, यहां तक का हो गया यहां तक हमने क्या देख लिया एक मॉलिक्यूल की वजह से जो भी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी आया था मतलब एक मॉलिक्यूल की वजह से चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम हो गया ऐसे ही आप एन मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल लोगे ठीक है नाउ नाउ चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम ड्यू टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम ड्यू टू एन ड्यू टू एन मोलिक्यूल्स कितना हो जाएगा एन मोलिक्यूल्स की वजह से कितना हो जाएगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल्स टू जो आपका आया था ये एक मॉलिक्यूल के लिए था ये किसके लिए था फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए था देखो ड्यू टू वन मॉलिक्यूल की वजह से था टू एम वी वन स्क्वायर जब एन के लिए करेंगे तो क्या टू एम एन वी वन स्क्वायर अपॉन में क्या है टू एम एन वी वन स्क्वायर अपॉन में एल ठीक है ओके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे आपके पास एन तो आपने उन सब एन मॉलिक्यूल्स की वजह से ये निकाल लिया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इतना आ गया और ये किसके लिए है एक मॉलिक्यूल के लिए था ठीक है आपने एन मॉलिक्यूल के लिए निकाल लिया अब ये आपने स्पीड कंसीडर की थी वी वन स्पीड कंसीडर की थी और एन मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट स्पीड्स है वी टू वी थ्री वी फोर डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं ना वो एन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा टोटल इसको कलर चेंज कर लेते हैं टोटल टोटल चेंज इन यही हमें निकालना है हर बार में टोटल चेंज इन मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू एन कॉम्पोनेट ड्यू टू एन कंपोनेंट्स एन हैविंग स्पीड्स ठीक है ना क्योंकि ये क्या कर रहे हैं जो एन मॉलिक्यूल्स है वो आपके डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं ड्यू टू एन कंपोनेंट्स हैविंग स्पीड्स हैविंग स्पीड्स वी टू v3 v4 ऐसे डॉट 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 ई टी तो क्या आ जाएगा उसकी वजह से डेल्टा p टोटल अपॉन में डेल्टा t इक्वल्स टू ये आपका आया था एक टू एम एन वी वन स्क्वायर अपॉन में कितना था l ऐसे ही आ जाएगा आपका v2 के लिए टू एम एन वी टू स्क्वायर अपॉन में l प्लस v3 थ्री स्पीड के लिए टू एम एन वी थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई एल प्लस ऐसे ही डॉट 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 एन के लिए कितना हो जाएगा टू एम एन टू एम एन वी एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल सही है अभी आपने जो कॉमन लेना है वो निकाल लो बाहर टू एम एन डिवाइड बाई एल अंदर क्या रह गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस वी थ्री स्क्वायर प्लस ऐसे ही डॉट 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 प्लस वी एन स्क्वायर ठीक है और इस पूरे को आप क्या बोलते हो वी आर एम एस टू एम एन अपॉन में एल ये आपके पास क्या हो गई वी आर एम एस का स्क्वायर ये आपके पास क्या था डेल्टा पी टोटल डिवाइड बाई डेल्टा टी ठीक है इसको कर लिया ब्रैकेट में बंद और इसको यहां पे बोल दिया कि ये चीज है क्या वेयर वेयर वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है इक्वल्स टू अंडर रूट वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 वी एन स्क्वायर ठीक है ये पूरी जो आपकी वी वन वी टू वी थ्री वी वी फोर ऐसे वी एन तक का स्क्वायर आएगा इसे आप क्या बोलोगे रूट मीन स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर ठीक है ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई अब हमने क्या निकाल लिया टोटल एंड मॉलिक्यूल्स की वजह से जो भी चेंज इन मोमेंटम आया था पर यूनिट टाइम वो निकाल लिया अब हम क्या जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अरे अकॉर्डिंग accord, अरे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है जो आपका डेल्टा पी बाई टी होता है वही क्या होता है फोर्स होता है ठीक है मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो होता है वो फोर्स होता है ये हमें सेकेंड लॉ बोलता है ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब फोर्स कितना आ गया हमारे पास जो आपने पी टोटल में निकाला है ये एम एन वी आर एम एस अपॉन में एल टू एम एन वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन में एल ये हमारे पास फोर्स आ गया और <coughs> एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू कितना होता है सिक्स इंटू लेंथ का स्क्वायर और लेंथ आपने कितनी कंसीडर की थी एल कंसीडर की थी दैट इज सिक्स एल स्क्वायर ठीक है ये हो गया आपके पास एरिया हो गया अब क्या है प्रेशर निकाल लेंगे नाउ नाउ प्रेशर प्रेशर एक्जर्टेड एक्जर्टेड बाई गैस ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा पी को क्या लिखते हो आप फोर्स पर यूनिट एरिया वो कितना हो जाएगा पी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया और फोर्स क्या है फोर्स क्या है टू एम एन वी आर एम एस स्क् टू एम एन वी आर एम एस स्क्वा है कितना है सिक्स एल स्क्वायर वन अपॉन सिक्स एल स्क्वायर ठीक है तो ये क्या बन गया यहां तक हो गया नेक्स्ट पी इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास टू एम एन वी आर एम एस कितना रह गया तीन बचा ये है एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन में थ्री एल क्यूब और इसको आप क्या लिखते हो वी लिखते हो एम एन वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन में थ्री इन वॉल्यूम तो v आप इधर भेजोगे पी वी इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास वन बाई थ्री एम एन वी आर एम एस का स्क्वायर यही आपकी इक्वेशन बन गई कौन सी कौन सी इक्वेशन है ये इसे ही बोलते हैं गिवेन इक्वेशन इज कॉल्ड एज

ये पी वी टू वन बाई थ्री एम एन वी आर एम एस स्क्वायर ये वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो हम एक बार स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से हमने किया क्या क्या है तो आज की क्लास में हमने सिर्फ डेरिवेशन ही किया है काफी लंबा डेरिवेशन था डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन का तो अगर आपको इतना एक फेज के लिए हमने इतना बड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता कि अगर हम एन मॉलिक्यूल से एक साथ कंसीडर करते तो हमने वो ना करके किसी एक मॉलिक्यूल को ले लिया ठीक है और उस एक मॉलिक्यूल की डायरेक्शन भी फिक्स कर दी कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में शुरू में एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है फिर हमने उसे वाई और जेड में भी लेकर के देख लिया ठीक है तो हमने सबसे पहले क्या किया कि कोई जैसे हमारे पास एक वेसल है एक बीकर है उसमें हमने कोई गैस फिल कर दी ठीक है उस गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और उन वो मोलिक्यूल्स जो हैं वो उसकी वॉल्स पे क्या कर रहे हैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं ठीक है तो हमने क्या किया वो एन मोलिक्यूल ना कंसीडर करके एक मोलिक्यूल कंसीडर किया और उसको हमने फिक्स कर दिया कि वो एक्स डायरेक्शन में शुरुआत में मोशन दिखा रहा है ठीक है तो उसके बाद हमने क्या किया उन्हीं का चेंज इन मोमेंटम लिया कि एक फेस पे टकराने से पहले कितना था उसके बाद कितना था तो दोनों वी एक्स हमने सेम रखी क्योंकि हमने क्या पढ़ा था के टीजी में कि जो भी हमारे पास नेट लॉस ऑफ एनर्जी होता है वो क्या रहता है जीरो रहता है मतलब कोई भी लॉस नहीं होता है एनर्जी में जितनी स्पीड से टकराया है उसी से वापस आ रहा होगा तो डायरेक्शन चेंज हुई इस वजह से माइनस वी एक्स लगा दिया तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया एक मॉलिक्यूल के लिए ऐसे ही एन मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल लिया ठीक है और हमने जो मॉलिक्यूल कंसीडर किया था उसकी स्पीड को हम v1 लेकर के चल रहे थे ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो अगर v1 वाले को ले लिया ऐसे v2 v3 vn के लिए कंसीडर कर लिया तो उन सबको लेते हुए जब गए यहाँ से देख लो जब हमने v2 वी v3 वी को भी कंसीडर किया था शायद से ये है नहीं नेक्स्ट है हाँ यहाँ पे हमने क्या किया था टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ड्यू टू एन कंपोनेंट्स हैविंग स्पीड्स वो जो एन कंपोनेंट है जिनकी स्पीड्स वी टू वी थ्री ऐसे वी एन तक की है उनके लिए क्या हो जाएगा इन सबका सम हो जाएगा तो डेल्टा टोटल चेंज इन द मोमेंटम पर यूनिट टाइम आ गया एन मॉलिक्यूल्स की वजह से जिनमें हमने सारी स्पीड्स को कंसिडर कर लिया है उसके बाद हमने क्या किया यही जो डी पी है वो हो गया फोर्स ठीक है Force आ गया 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 पता है उस cube का क्या क्या होगा तो तो हमारे पास बन 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 इसे solve कर लिया और फाइनल हमारे पास ये equation आ गई दैट इज पी वीवस टू वन बाई थ्री एम एन बी आर एम एस स्क्वायर जहां पे एम क्या है मास ऑफ एवरी मॉलिक्यूल सिंगल वन मॉलिक्यूल मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है एम एन क्या है आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वी आर एम एस क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ठीक है तो यही आपकी इक्वेशन को क्या बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में होगा एक बार खुद से करके देखेंगे आ जाएगा तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं नेक्स्ट में हम एक नया टॉपिक से स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच